स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का त्रिहम प्रतियोगिता संस्थान में स्वागत है। मेरा जो पहला वीडियो था गति पर, एक सरल रेखा में गति, उसमें औसत वेग और औसत चाल के बारे में बात करी गई थी। और आज हम लोग देखते हैं औसत वेग और औसत चाल पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स। तो ये देखते हैं, सबसे पहला न्यूमेरिकल है हम लोगों के सामने कि मान लीजिए कोई वस्तु है, वो शुरुआत में ऊपर है। किस पे है? ऊपर है। और कुछ समय बाद वो वस्तु ए पर पहुंच जाती है। हम मान लेते हैं कि 10, 50, 100, 180 और यहां पर 200। तो उसका कुल अंतिम विस्थापन कितना है? अंतिम स्थिति कितनी है? 200 मीटर। और वो ओ से चलकर ए तक पहुंचती है। यानी पहला क्वेश्चन है कि ओ से ए तक का मार्ग अगर वो 18 या 20 सेकंड ले लेते हैं, यहाँ पे जिससे संख्याएं आसानी से कट जाएं, 20 सेकंड का समय लेता है, तो उसका औसत वेग कितना होगा? औसत वेग कितना होगा और उसकी औसत चाल कितनी होगी? ये न्यूमेरिकल है। ये है प्रश्न कि उसकी औसत चाल कितनी होगी और औसत वेग कितना होगा। तो जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, औसत वेग का फॉर्मूला विस्थापन डिवाइडेड बाय समय, विस्थापन डिवाइडेड बाय समय। तो विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन हम लोग क्या लेते हैं? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति कितनी है? ए पर। और ए पर कितना चल चुका है? 200 मीटर। और प्रारंभ कहां से किया था उसने? 0 मीटर से। समय 20 सेकेंड, समय उसको प्रारंभ में कितना लगा? 20 सेकेंड। और प्रारंभिक समय उसका कितना है? 0। तो ये कितना आ गया? 200/20 अर्थात 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो 10 मीटर प्रति सेकेंड क्या आ गया? उसका औसत वेग। औसत चाल का फॉर्मूला हमने बताया था आप लोगों को कि औसत चाल होती है कुल पथ लंबाई, या हम इसको कह सकते हैं कुल तय दूरी, और लगा कुल समय। लगा कुल समय। तो बच्चों देखिए, यहां पर कुल तय की गई दूरी कितनी है? ओ से लेकर ए तक ही तो है। तो ये कुल दूरी कितनी हो गई? 200 मीटर। और समय कितना लगा इसको? 20 सेकेंड। अर्थात यहां पर भी आंसर हमारा कितना निकल के आ गया? 10 मीटर प्रति सेकेंड। और इस स्थिति में जो हमारा औसत वेग है वो औसत चाल के बराबर आ गया। ठीक है। अब इसी में मान लीजिए उसने एक दूसरा ऑप्शन दे दिया कि इस पॉइंट को, इसको कह दिया बी। इस पॉइंट को उसने क्या कह दिया? बी। और ये बोला कि अब दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। फॉर्मूला को लिखा रहने देते हैं। दूसरे पार्ट में उसने कहा कि वो ओ से बी तक, ओ से ए गया तथा ए से कहां गया? बी तक। और इसने उसमें कुल समय तय किया 24 सेकंड, या हम ये कह सकते हैं अगर इसको डिवाइड करना चाहें कि ओ से ए तक गया 20 सेकंड में और ए से बी तक गया 6 सेकंड में। यानी कुल समय कितना लगा? 26 सेकंड। तो इस 26 सेकंड में उसका औसत वेग कितना होगा, उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो देखते हैं। औसत वेग, विस्थापन। अब विस्थापन क्या आएगा? हमारी अंतिम स्थिति आ गई। और अंतिम स्थिति हमारी अब क्या है? ओ से ए तथा ए से बी। अंतिम स्थिति हमारी कौन सी हो गई? बी हो गई। तो अब विस्थापन हमारा कितना आया? कुल विस्थापन हमारा कितना हो गया? अंतिम स्थिति यानी कि ओ बी। यही तो रहा अंतिम स्थिति। अर्थात कितना है ये? यहां पे देखिए 100, 100 और माइनस प्रारंभिक 0। और कुल कितना समय इसको लगा? 20 ये गया और 26, 6 वापस आया। तो कुल समय कितना लगा? 26। तो 100/26 मीटर प्रति सेकेंड। हल करना चाहे तो कर दें, 50/13 मीटर प्रति सेकेंड की इसकी क्या हो गई? औसत वेलोसिटी या औसत वेग। तो ये बात हो गई औसत वेग की। लेकिन अगर हम औसत चाल की बात करते हैं तो अब यहां पे देखिए क्या परिवर्तन आएगा। उसकी कुल दूरी कितनी हो गई? वो ओ से ए गया।
कितना पहुंचे? 200। और उसके बाद क्या किया, ए से वो वापस कहां तक आया बच्चों? बी तक। कहां तक आया? बी तक। तो उसने ये दूरी और कितनी तय करी? 100। देखिए 100 तक। तो ये दूरी उसने कितनी तय करी? 100 मीटर। तो कुल तय दूरी यहां पर अब उसकी कितनी हो गई? 200 मीटर प्लस 100 मीटर अर्थात 300 मीटर। और कुल समय कितना लगा? 20 उसमें और 600 मीटर चलने में, अर्थात 300/26 मीटर और ये सेकंड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कुल तय की गई दूरी 300/26 अर्थात 150/13 मीटर प्रति सेकंड। और इस उदाहरण में आप लोगों ने देख लिया कि जो औसत वेग है वो औसत चाल से क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ पे 50/13 और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 150/13 अर्थात औसत वेग का मान यहाँ पर औसत चाल से क्या हो गया? कम हो गया। अब तीसरी स्थिति एक और जनरेट हो सकती है, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि वो ये कह दे कि ओ से चलकर ए पर पहुंचा, ओ से चलकर ए पर पहुंचा और ए से चलकर कहां पहुंच गया? ओ पर। और इस पूरी कार्यवाही में उसको लगा 26 सेकेंड इसमें जाने में और 26 सेकेंड इसमें आने में। तो उसका औसत वेग बताइए और औसत चाल बताइए। तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, जो औसत वेग का फॉर्मूला है उसमें होता है विस्थापन, और विस्थापन वो ओ से कहां गया? ए पर गया। ओ से वो पूरा ए पर गया और ए से फिर कहां आ गया? ओ पर। तो इसकी अंतिम स्थिति क्या हुई? ओ। अंतिम स्थिति क्या हुई? ओ। और प्रारंभिक स्थिति भी क्या हुई? ओ। अर्थात कुल विस्थापन इसका कितना हो गया? 0। समय चाहे जितना लगा हो, उत्तर हमारा क्या आएगा? औसत वेग कितना आएगा? 0। औसत वेग कितना आएगा? 0। 100/26। लेकिन अगर हम औसत चाल की बात करें तो अब कुल तय की गई दूरी उसकी कितनी हो गई? 200 मीटर गया और 200 मीटर ही वो वापस आया। और उसने कुल कितना समय लगाया? 26 जाने में और 26 आने में, प्रश्न के अनुसार 26 जाने में और 26 आने में। तो अब हमारा उत्तर कौन सा हो गया? 400/52 मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम लोग हल भी कर सकते हैं। तो ये एक औसत वेग और औसत चाल का सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसको हमने देखा कि एक क्वेश्चन के अंदर तीन प्रकार के क्वेश्चन छुपे हुए थे और उसको कैसे हल किया गया। तो इस तरीके के प्रश्नावलियां आपको मिलेंगी, प्रश्न मिलेंगे आपको हल करने के लिए। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे रहेगा, और उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पे कंसंट्रेट करेंगे। पूरी एक शीट होगी, मैं वो सॉल्व कराऊंगा। फिलहाल ये एक उदाहरण के तौर पे था। चल आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो गति के हमारे तीन नियम हैं उनका डेरिवेशन। पहले हम लोग देखेंगे सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म यानी कि जिसको हम ग्राफीय विधि के द्वारा हल करें। देखिए, अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो त्वरण होता है, त्वरण जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। वो क्या होता है? वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन और बटे कुल समय। वेग परिवर्तन और लगा कुल समय या समय अंतराल जिसको मान लेते हैं। तो यहां पर हम एक ग्राफ के बारे में बात करेंगे। एक ग्राफ यहां पर बगल में खींच लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया? एक्स अक्ष मान लीजिए। और जैसा मैंने पहले बताया था कि हम लोग जो भी ग्राफ बनाएंगे वो एक्स अक्ष पे क्या लेंगे? टी लेंगे, यानी कि समय। अब हम चूंकि वेग और समय की स्थिति की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमने वेग ले लिया, वेग, ठीक, या इसको हम वेग ही लिख देते हैं। और यहां पर हम क्या लिख देते हैं? समय। मान लीजिए प्रारंभिक स्थिति जब समय हमारा शून्य था, जब समय हमारा शून्य था तो वस्तु ए पर थी और वो कितना चल चुकी थी? यू वेग से वो चल चुकी। जब हमने टी समय बाद उस वस्तु को देखा तो वस्तु की स्थिति कहां पहुंच गई? बी पर। अर्थात उसने वाई अक्ष पर कितनी दूरी तय कर ली?
पूरी बी, ये पूरा नीचे तक रहेगा, पूरी दूरी कितनी तय कर ली इसने, बी। तो अगर हम उसका विस्थापन देखें तो यही तो ना, ये एक रेखा, ये इसका क्या हुई, विस्थापन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग त्वरण की बात करते हैं। त्वरण क्या है, ए बराबर, अब देखिए वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, उसका अंतिम वेग कितना आया v, और प्रारंभिक वेग कितना था, अंतिम वेग यहां पर कितना आ गया उसका v, और प्रारंभिक वेग कितना था उसका यहां पर u, तो v माइनस u यही तो इसका परिवर्तन आया, v माइनस u यही तो परिवर्तन हुआ, और कुल कितने समय में, t समय में। अब देखिए तेरे गुणा कर देते हैं हम लोग, तो v माइनस u बराबर कितना आ गया, at, या v बराबर u प्लस at। ये हमारा है गति का समीकरण का पहला नियम, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय द टाइम, और तिरय गुणा करने के बाद हमने पहला समीकरण निकाला। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे समीकरण की तरफ आते हैं, और दूसरा समीकरण है हम लोगों का विस्थापन के बारे में, किसके बारे में, विस्थापन के बारे में। तो यहां पर एक चीज थोड़ा सा जान लें आप लोग, कि यदि कोई वस्तु इस तरीके से ग्राफ में या विस्थापन करती है, तो अगर हम उसका कुल विस्थापन ज्ञात करना चाहें तो उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल होता है। तो अगर इस ए बी के द्वारा हम घेरे गए क्षेत्रफल की बात करें, तो यहां से हमको एक लंब डालना पड़ेगा, और ये पूरा क्षेत्रफल जहां पर मैं कर्सर चला रहा हूं, मापे चला रहा हूं, ये पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, इसका होगा। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्रफल हमारे विस्थापन के बराबर होगा, अर्थात विस्थापन ए बी, अर्थात विस्थापन ए बी बराबर आकृति, आकृति देखिए नाम दे देते हैं ओ ए बी, और सपोज यहां पर हमने इसको ऐसे डॉटेड मिला दिया सी और ई, आकृति कौन सी होगी, ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल, आकृति ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो देखिए कैसे होगा। अब यहां पे दो चीजें कर सकते हैं, अगर हम आकृति की ओर ध्यान से देखें तो एक समलंब का भी निर्माण हो रहा है, जो ऐसा होता है, ये देखिए एक समलंब भी बनना है, अर्थात इसमें इसका क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग और गुणे बीच की दूरी, हम इसको भी लगा सकते हैं, या हमने यहाँ पर एक लंब डाल दिया है, तो ये आकृति हमारी एक ये त्रिभुज बन गई, और दूसरी आकृति कौन सी बन गई, एक आयत बन गया, तो हम इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए जो आपकी एनसीईआरटी की पुस्तकों में दिया है, उसको त्रिभुज और चतुर्भुज, त्रिभुज और आयत में डिवाइड करके दिया गया, तो हम लोग उसी से देखते हैं। देखिए हमारी पहली आकृति यहाँ पे मैंने एक लिख दिया है, ये त्रिभुज है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस आयत कौन सा बनना है, ओ ए सी डी का क्षेत्रफल। अच्छा, हम लोग विस्थापन ए बी की बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ये विस्थापन, इसका मान कितना है s, तो ये आ गया s का, एस बराबर क्या आ जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब। अब देखिए आधार कितना है एसी, और लंब कितना है बीसी, ये देखिए मैं अलग त्रिभुज बना दे रहा हूं, ये इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए हमने लंब डाला, तो ये हमारा आधार हो गया ये, और ये क्या हो गई हमारी इसकी ऊंचाई, ठीक, या लंब, तो 1/2 आधार गुणे लंब, और ये क्या माना है, ये ए ये सी और ये बी, तो ये आ गया ए सी इंटू बी सी प्लस ओ ए सी डी, देखिए ओ ए सी डी ध्यान से देखा आप लोगों ने, तो ये क्या बना है हमारा आयत, ओ ए सी डी हमारा क्या बना है, एक आयत, ये मैं अब अंदर का रब किया दे रहा हूं आपको और स्पष्ट हो जाएगा, ओ ए सी डी हमारा क्या आ गया, एक आयत, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हमने ले ली ओ ए और चौड़ाई हमारी हो गई ए सी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां पे थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं हम, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा,
क्षेत्रफल की आकृतियां आ गई होंगी आपको समझ में, तो अब इन सब का कोई औचित्य नहीं रह गया यहाँ पर। अब हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं कि क्या वैल्यूज है। तो देखिए अगर हम देखें तो ये कितना है, ये कितना है, ये यू है, तो जाहिर सी बात है ये भी यू होगा, और ये पूरा कितना होगा, ये वी होगा। तो इतनी वैल्यू कितनी आ गई, इतनी वैल्यू ये आ गई, इस v में हमने u को घटा दिया, कितना बचा v माइनस u, स्पष्ट लिख दूं v माइनस u। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो देखिए यहां पे जीरो था और ये t समय में आया, कितने समय में आया, t समय में, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई। अब इन सब की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो देखिए 1/2 AC, AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, BC, BC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, V माइनस यू, प्लस OA, OA की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, U, और AC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो S बराबर कितना आ गया, अंदर देखते हैं हम लोग, 1/2 × T। अब जरा हम लोग थोड़ा सा साइड में देख लेते हैं, पहली इक्वेशन जो सबसे पहली इक्वेशन हम लोगों ने बनाई थी, V इज इक्वल टू यू प्लस AT, ये बनाई थी। ध्यान दीजिए अगर हम u को इधर लाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, v माइनस u, और ये किसके बराबर हो जाएगा, at। तो क्या ये v माइनस u का मान हम at रख सकते हैं, जरूर। तो यहां पे हमने क्या किया, इसकी जगह at रख दिया, प्लस ये हमारा ut हो गया। ध्यान से देखिए v माइनस u की जगह हमने at रख दिया और ये कितना हो गया, ut। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, ये देखिए S बराबर ये कितना आ गया, 1/2 AT² + UT, या अगर हम इसको स्पष्ट रूप से और लिखना चाहें तो UT + ½ AT² ये हमारी आ गई गति की दूसरी समीकरण, S बराबर UT + ½ AT² मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से आप लोगों को। अगर कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये हमारी गति कौन सी आ गई, द्वितीय समीकरण। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इस पार्ट से उठाते हैं, यानी कि यहां तक तो हमको ऐसे ही करना है, उसके बाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और चेंज होके क्या आएगा देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, इसका पूरा अंदर गुणा कर दिया, यानी 1/2 T का V में गुणा हुआ तो 1/2 TV हो गया, माइनस का चिन्ह 1/2 T का यू में गुणा, और ये हमारा यूटी लिखा ही था, तो यूटी या टीयू बात एक ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 TV। अब जब यूटी में आधा यूटी जाएगा तो प्लस का हाफ यूटी बच जाएगा, या हाफ टीयू बच जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पे यूटी है तो इसको हम टीयू ही लिख सकते हैं, दोनों चीजें एक ही है, कोई भ्रम ना रहे इस वजह से मैंने उसको ऐसा कर दिया। आप देखिए दोनों में से क्या कॉमन है, 1/2 T, यहां पे क्या बचा, V प्लस U, ये किसका मान हमारा आ गया, S का मान, किसका आ गया, S का मान। चलिए हम लोग फिर से देखते हैं कि जो हमारी गति की पहली समीकरण थी, जो हमारी गति की पहली समीकरण थी वो क्या कहती थी, V इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो यहां से अगर हम AT का मान निकालें तो ये आएगा V माइनस यू, और अगर हम T का मान निकालें तो कितना आएगा, V माइनस यू अपॉन A। तो क्या इस T की जगह हम ये मान रख सकते हैं, अवश्य। तो इस मान को रख देते हैं, ये कितना आ जाएगा, 1/2 T की जगह आया V माइनस यू अपॉन A, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया V प्लस यू, क्या आ गया, V प्लस। इस जगह से हम लोग देखना चालू करते हैं, तो S का मान अब कितना आ जाएगा, देखिए 1/2 A को तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, अब ये हमारे पास क्या बन गया, V प्लस यू V माइनस यू, V माइनस यू V प्लस यू, यानी A माइनस B A प्लस B, और ये क्या होता है, A² - B² यानी V² - U² इस 2A का S के साथ तिर्यक गुणा, तो हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, V² माने U² = 2AS, V² माने U² = 2AS। इस तरीके से हमने देखा
गति के तीन समीकरण हम लोगों ने प्रूफ किए, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारे क्या आ गए, गति के तीन समीकरण आ गए, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से, आपके होम एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में इनका बार बार यूज होगा और इनका डेरिवेशन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आज के सेक्शन में इतना ही, नेक्स्ट सेक्शन में हम इन्हीं गति की समीकरणों को, अगले वीडियो में हम इन्हीं गति की समीकरणों को अवकलन विधि से हल करना सीखेंगे, और उसमें मेरा पूरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो अवकलन और समाकलन पे रहेगा, और दोनों विधियों के माध्यम से हम इसको सिद्ध करना सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।